आगे से लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं। कौन दिख रहे हैं आपको? तीन होली। तो पवन जी का जो कॉम्बिनेशन है वो शायद कोई समझ नहीं पाता, और जो चीजें हैं वो और लोग समझ नहीं पाते उस चीज को, तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये 2 साल की होली आपको इसमें दिख रही है, जो कॉम्बिनेशन है वो सारे हिट है। तो अब पवन जी बताएंगे कि कौन क्या है और कैसे क्या है। वो होली मिला के एक फिल्म आई जिस फिल्म का नाम है मैंने उनको सजम चुन लिया। क्या है, जब पहली फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया, मैंने बोला सर देवेंद्र जी कॉमन सी बात है जो सब कोई बोलता है कि मैंने तुमको सजन चुन लिया, इतना केहू बोल सकेला। मैंने ये टाइटल दिया था कि सर टाइटल ये रखिए कि मैंने उनको सजन चुन लिया। फिल्म बहुत बढ़िया रिस्पांस रहल, बहुत बढ़िया प्यार मिलल, और आज मैंने उनको सजन चुन लिया पार्ट 2 का पूजा हो रहा है। स्मृति जी, नीलम जी, श्वेता महाराज जी और आप सबका भाई, छोटा भाई, बेटा, दोस्त, सहतिया पवन सिंह, हम सब मिलके काम करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये फिल्म पसंद आएगी। उनका नाम है अरविंद चौबे जी, उनसे सब करा लीजिए लेकिन उनको माइक मत दीजिए, मीडिया के सामने उनको खड़ा मत कीजिए। वो मतलब इतने खुश होंगे कि वो जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। पवन जी थैंक यू, आपने मुझे आज माइक दी। जैसे आज ये हुआ कि देवेंद्र बाबा को ही मैंने बोल दिया कि पहले डायरेक्टर साहब को दीजिए, तो ये भी थोड़ा धक पकाया है महाराज। हम कम बोलते हैं, आप हमको पकड़ा दिए। सुनिए, कभी भी किसी चीज को पकड़ने में देर मत करिए। पकड़िएगा, आगे बढ़िएगा। जय श्री राम। मैं तो सिर्फ महादेव, जय श्री राम और महादेव, बने रहो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। लेकिन भैया हम भी आपसे बहुत पहले से मिल रहे हैं, लेकिन आज के डेट में जो आप बोल रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्या प्यार दिया बोल के, क्या स्नेह दिया, लव यू। और चंदन भाई, धर्म जी के साथ आपका और एक और मेरा भाई थे आपके साथ, आप तीनों का इंटरव्यू मुझे, आप तीनों का बातचीत मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि मैं 10-15 मिनट आज देखा, मैं हर चीज देखता हूँ। गुड, हम सब एक होके काम करेंगे, मेहनत करेंगे ना, तो हमारी इंडस्ट्री और ग्रोथ करेगी। क्यों एक दूसरे से भाव रखना, भेद रखना, जलन रखना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छे मन से काम करें, सब लोग आगे बढ़े। आई मोहन जी के लिए बहुत बेहतरीन गाने बनाते हैं, क्या सबसे पहले आपकी नजर में चलता है जब आपको ऐसा पता चलता है सैड सॉन्ग बनाना है, आपको डांस सॉन्ग बनाना है, क्या सबसे पहले नजर में क्या आता है आपके? पवन जी का ऐसा कौन सा रूप रंग देख लेते हैं आप? एज ए म्यूजिकर और एज ए सिंगर, सबसे पहले मेरे दिमाग में, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनके गले में क्या हरकत है, क्या कैसा साउंड इनके ऊपर अच्छा लगेगा, ये बहुत दिन से, काफी दिन से हम लोग साथ में हैं, तो मुझे आइडिया है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में कैसा साउंड इनका होना चाहिए, 2025 में कौन सा साउंड होना चाहिए वो मुझे ही पता है, सिर्फ अपनी बड़ाई कर रहा हूँ बस। अगर आपको इनके सामने गाने का आज मौका मिला है, वैसे तो आप लोग अंदर बहुत गाते होंगे साथ में, लेकिन आज हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम सुनना चाहेंगे, तो तुरंत आप कौन सा गाना इनके सामने इनको गाकर सुनाएंगे? हंसेला तो भाग हमारे जाग जाए, जा हमारो तो हरा के ला जाए, जा हमारो तो हरा के ला जाए। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में धर्म भाई यही एक म्यूजिक डायरेक्टर है जिनके साथ मैं सिटिंग में भी बैठता हूँ, उसके बावजूद मैं फोन पे पूछता हूँ कि गाना बना क्या, बोलते हैं कि भैया थोड़ा रुक जाइए, मेरा ही दिल संतुष्ट नहीं हो पा रहा। यही एक म्यूजिक डायरेक्टर है जो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये पवन सिंह को पसंद आएगा या नहीं, उस हिसाब से ये गाना बना दो और इनके डायरेक्शन में मैं गाना गाता हूँ। जैसे ये मेरे लिए गाया ना, मैं भी इनके लिए गाऊंगा यही गाना।
हंसे लो भाग हमर जाग जाए, हंसे लो भाग हमर जाग जाए, जा हमरो माँ तोहरे के लग जाए। घाव करे गंभीर, डर तो लगा था। आप मतलब भौचक्का रह जाएंगे। इसका उम्र कितना है? 18 साल। इससे 4 साल छोटा इसका सगा भाई है, वो भी म्यूजिक करता है। जब पहली बार हमको मौका मिला भैया के साथ काम करने का, तो हम बोल नहीं सकते कि हम कितना बैठ के रो रहे थे उस दिन। विशेष कुछ नहीं बोल सकते, लव यू। लेकिन हाँ, जब भी भैया का काम करता हूँ ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस विशेष कुछ नहीं। अरे पागल, हम सीखते हैं तुम लोगों से, लव यू सबको। जो भी यहाँ पे आया है सबको मेरी तरफ से प्यार, सबके नाम हम लेके जाना था, लेकिन सबको मेरी तरफ से प्यार, सबको प्रणाम जी। हमसे बढ़ बार एक और मेरा छोटा भाई यहाँ पे सामने खड़ा है, छोटू। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब आगे बढ़िए, छाए रहिए, सबके साथ काम करो। कभी कोई बोल दे मेरे साथ, जितने भी देवेंद्र बाबा हैं, अरविंद चौबे हैं, छोटे बाबा हैं, छोटू हैं, प्रियांशु हैं, मैंने कभी किसी से बोला क्या कि जो यहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा नहीं होगा? मैं बोलता हूँ सब जगह खड़ा रहिए, सबका काम करिए, जहाँ जितने देर के लिए रहिए वहाँ दिल से रहिए, सबको प्यार करिए, सबको आगे बढ़िए, मस्त रहिए।